जी बिसमान रहीम तो टोडे वीर कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रेटजीज वी आर डूइंग ये एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं जिसमें ऑप्शन की डिटरमिनेशन ऑप्शन की वैल्यूएशन पे हम लेके फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं आई आई टोल्ड यू यू एम टेलिंग अगेन कि हैंज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज न्यू एरियाज हैं मेक श्योर वी कंसनट्रेट दैम डू सम रिसर्च ऑन इट और इसके एग्जाम्पल्स और टेबल्स को क्रिटिकली देखें प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्टिव पुट पुट की हमने बात पहले की भी है अभी पहले भी हम रिसेंटली भी करते आ रहे हैं कि इट्स अ राइट टू सेल व्हेन वी से प्रोटेक्टिव पुट इट्स अ कॉम्बिनेशन ये एक स्ट्रेटजी की तरफ अब हम मूव करें फॉर एन इन्वेस्टर हु हैज अ लॉन्ग पोजीशन इन एन अंडर द क्लासिक ऑप्शन बेस्ड हैजिंग इज अ प्रोटेक्टिव पुट बाइंग अ पुट ऑप्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अंडरलाइंग फॉलिंग इन द वैल्यू इन सिंपल टर्म में बात करूँ कि आपके पास कोई शेयर है तो आपके लिए इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर शेयर की प्राइस ऊपर चलेगी तो यू विल गेन रिस्क क्या है कि शेयर की प्राइस अगर नीचे चली गई तो यू विल भी लूजिंग तो हम उस जो फॉल का फैक्टर है उसको कैप्चर करने के लिए हम एक स्ट्रैटी करते हैं कि उस शेयर के साथ उसकी एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं पुट ऑप्शन में क्या होगा राइट टू सेल कि अगर वो शेयर की प्राइस नीचे चली गई तो हमें शेयर से तो लॉस होगा लेकिन हमें वो पुट ऑप्शन से गेन हो जाएगा तो इनफैक्ट हमारा लॉस वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा तो हम अपने डाउन साइड को कवर करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं लेकिन ऊपर जाने की पोटेंशियल हमारे पास ही रही तो जितना बढ़ेगा वी विल बी गेनिंग आउट ऑफ ये डेटा आपको रिकॉल करें हमने कहा था कि ये इस मॉड्यूल में हम इसको यूज करेंगे आई नॉट स्पेंड मोर टाइम इस पर हमने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो दिस इज अ टेबल तो अब आप इसमें देख लें कि ये पुट का जो टेबल है उसको हम लेके फर्दर मूव करेंगे एक दफा कैम कर लें। लेंड अबाउट इट उसके बाद ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा हुआ है। है ठीक जी एंडेज मे फिफ्टी पुट मे फिफ्टी का मतलब क्या है कि मे की मंथ की वो ड्यूरेशन है और फिफ्टी इज द स्ट्राइक प्राइस ऑन इक्वल नंबर ऑफ शेयर जितने शेयर हैं, उतनी ही पुट ले लें ये भी हो सकता है आप कम ज्यादा भी लें बट थोराटिकली uh, अभी यहाँ पे हम जो बात करें कि फुली हम कह रहे हैं कि जितने हमारे पास शेयर्स पड़े तो उतने ही हम ले लें तो अभी आपने देखा था टेबल में इट्स गिवन के जो उस पुट की कॉस्ट है दैट इज थ्री पॉइंट एट सेवन एंड शेयर प्राइस इस वक़्त जो है वो है फिफ्टी टू पॉइंट वन फोर ठीक हो गया बात फैक्ट्स को जरा नरेट कर लें शेयर की स्ट्राइक प्राइस क्या है पचास शेयर की इस वक्त वैल्यू कितनी है फिफ्टी टू और इसकी जो ऑप्शन प्रीमियम है थ्री पॉइंट एट सेवन तो मैं एक एक ज़रा माइंड में अपना मैप बनाए कि इसका क्या होगा पे ऑफ वट विल हैपन वट वी कैन गेन आउट ऑफ इट इसको अगर हम डायमेट्रिकली देखें तो ये हमें क्या एलिमेंट दे रहा है जो प्राइक प्राइस है वो हमारी है जी फिफ्टी और इस वक्त शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ऊपर है और हमें जो उस पर प्रीमियम हमने दिया है वो हमने कितना दिया है जो थ्री पॉइंट फैक्टर हमने जो उसका प्रीमियम दिया दैट वे गोइंग टू इंकार तो अब हमारा जो डॉटेड uh, लाइन है वो है आपका स्पेसिफिकली जो व्हाट विट कैन बी डन बिकॉज ऑप्शन की जब आपने ली है तो वो भी इन इट सेल्फ एक कॉस्ट आ गई तो वो कॉस्ट भी आपने ही बेयर करनी है दैट विल रिफ्लेक्ट योर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर तो वो हमें ये डायमेट्रिकली ये कैसे ये रिफ्लेक्ट होगा कि हमें इसमें दिखा दिया कि इसमें हमारे पास अपसाइड का पोटेंशियल रहा लेकिन आफ्टर अचीव आर कॉस देन इट विल बी डन इसको हम ज़रा फिगर वर्क में भी देख लेते हैं जैसे कि स्टॉक है फिफ्टी का और अभी इसकी जो हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो है फिफ्टी तो इसका मतलब है कि 2.14 का तो डिफरेंस ऑलरेडी है मतलब हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो नीचे है तो हमें क्या लॉस हम कर सकेंगे एक तो ये जो 2.14 है ये हमारे नीचे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस करंट लेवल से नीचे है अगर करंट लेवल पे होती तो फिर ये वाला लॉस हमें ना होता बट वी हैव अ स्ट्राइक प्राइस बिलो दैट सो दिस इज़ अ एक्सपेक्टेड लॉस विच वी कैन इनकर ये मैक्सिमम लॉस में एक एलिमेंट होगा दूसरा हमने इसको थ्री पॉइंट एट सेवन दे के लिया है तो वो भी हमारा आउटफ्लो है दैट इज अगेन मैक्सिमम लॉस वी कैन इनकर तो हमारा मैक्सिमम लॉस इस ट्रांजेक्शन पे कितना हो सकता है 2.14 प्लस 3.87 जो हमने थ्री यानी एट टोटल मिला के ये आस डॉलर की हमारा है ये जो के इम्पैक्ट हमें ऑलरेडी आएगा क्योंकि हमने ये लॉक पोजिशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 52.15 प्लस इस ज जो तो हमारा अनहेज पोजीशन है उसके साथ ये इसकी मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है तो अब हमें जो है वो गेन कब होता है पुट ऑप्शन के स्ट्रक्चर में और ये स्टॉक में अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो अगर ये 56 तक जाएगा तो हमारा पॉइंट कवर करेगा यानी कि हमारी जो कॉस्ट हमने जो इनकर कर रहे हैं वो हमारी कवर हो जाएगी अगर ये स्टॉक इतनी प्राइस से ऊपर जाता है बिकॉज दैट विल बी आर ब्रेक इवन लेवल कि उस लेवल पे हमारी जितनी हमने कॉस्ट भी इनकर की थी वो हमारी इससे कैप्चर हो जाएगी और उससे ऊपर जितना चला जाएगा उतनी हमारी गेन ही गेन है तो इसको ज़रा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में जाइएगा स्टेप बाय स्टेप देखें एंड देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और इसको आप वीडियो को बेशक आप दोबारा रिकॉल करके भी सुन सकते हैं तो इन जर्नल रूल क्या है हमारा कि मैक्सिमम लॉस एट एक्सपायरी इज द स्पॉट माइनस द स्ट्राइक प्राइस उनका जो डिफरेंस है प्लस द प्रीमियम विच यू आर सो यू कैन रिकॉल के टू और आपका थ्री प्लस एट का जो आपका सम है दैट इज द मैक्सिमम लॉस ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या है स्पॉट प्राइस प्लस जो आप प्रीमियम उसको पे करें और मैक्सिमम प्रॉफिट इसका क्या हो सकता है वो अनलिमिटेड क्योंकि ऊपर स्टॉक जितना भी चला जाएगा आपको गेन है थोड़ा सा ऊपर जाने पे तक वैसे तो 52 का अगर स्टॉक होता तो एक रुपया भी ऊपर जाए तो गेन होता लेकिन अब क्योंकि हमने 3.87 प्रीमियम भी पे किया हुआ है तो हमें वो भी कवर करना है तो 52 से प्लस ये हमें फोर रुपीज थ्री भी चाहिए तो 56 तक हमारी कॉस्ट अब आ जाएगी उससे ऊपर जितना है वो हमारा मैक्सिमम अनलिमिटेड गेन है तो दिस यू कैन सी दिस इस अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी आप सेफ हो गए नीचे गिरेगा अगर स्टॉक जीरो का भी हो जाए तो आपका तो आराम से फिर भी पचास रुपए का बिक जाएगा क्योंकि आपने पुट ऑप्शन ली हुई है और अगर शेयर सौ रुपए का हो जाए तो फिफ्टी सिक्स आपकी कॉस्ट है और उसका पूरा ऊपर वाला सारा आपका गेन है तो इट्स लाइक अ वेरी गुड स्ट्रेटजी और ये एक पहली है अभी हमने बहुत अच्छी और फर्दर स्ट्रैटेजीज सीखनी है थैंक यू